नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था समेकित शिक्षा। क्या पढ़ा था? समेकित शिक्षा। क्या होती है समेकित शिक्षा? मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ऐसी शिक्षा जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों व सामान्य बालकों को कुछ ऐसा सामाजिक ब्रेक दिया जाता है, मतलब एक ही विद्यालय में या अलग अलग विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त उनको एक साथ बिताने का मौका देना ही समेकित शिक्षा कहलाता है। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। क्या देखा था? कि समेकित शिक्षा का मतलब है कि सामान्य विद्यालयों और जो आपके विशिष्ट बालक है, उन बालकों को शिक्षा अलग अलग जगह दी जाएगी, लेकिन लंच करते समय, खेलकूद प्रतियोगिता करते समय, वाद विवाद करते समय, निबंध प्रतियोगिता करते समय, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के दौरान जो है क्या कर किया जा सकता है, उनको एक साथ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को इस समाज में रहना है और समाज में रहने के लिए, समाज के माहौल में ढलने के लिए विशिष्ट शिक्षा से बेटर उपाय लगा समेकित शिक्षा। अब बात आती है विशिष्ट शिक्षा क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी बच्चों आपको बताया था कि विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विशिष्ट टेक्निक प्रविधियों आदि के द्वारा जो अध्ययन करवाया जाता है बच्चों, वो विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। विशिष्ट शिक्षा 19वीं शताब्दी की देन है और विशिष्ट शिक्षा को आज हमारे भारत में नहीं अपनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि विशिष्ट शिक्षा को अगर हम अपनाते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की हमारी धारणा एक कल्पना बनकर रह जाती है। तो इसीलिए हमने विशिष्ट शिक्षा के स्थान पर धीरे 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 समेकित शिक्षा को अपनाना प्रारंभ किया। लेकिन समेकित शिक्षा में भी हमने देखा कि बच्चे में दया की भावना का विकास हो जाता है। विशिष्ट साधनों से वो अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं हो पाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को समान अधिकार, समान उचित वातावरण प्रदान करने, उचित सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। क्यों? अलग कक्षाओं में पढ़ने के कारण, अलग पाठ्यक्रम होने के कारण वो सामान्य बालकों के साथ इतना मिलजुल नहीं पाते हैं। माता पिता के अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है, माता पिता को खर्चा अधिक करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो शिक्षा है बच्चों, उसी का नाम है समावेशी शिक्षा। जो आपकी बीएड सेकेंड ईयर का जो बुक है वो इसी समय की शिक्षा पर आधारित है। तो समझ गए होंगे कि बीएड में जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें, इसमें से तो क्वेश्चन आना तय है। तो क्या है समावेशी शिक्षा बच्चों? देखो, ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। जो किसके लिए हो? कीवर्ड्स को पकड़ो, सबके लिए हो। देखो, समेकित शिक्षा भी सबके लिए थी, लेकिन अलग अलग दी जा रही थी। शिक्षा अलग, पाठ्यक्रम अलग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये कहता है हर वर्ग, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ, एक कक्षा, एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो क्या है समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन? ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। जो किसके लिए हो? सबके लिए हो। हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ, एक कक्षा, एक विद्यालय में अगर शिक्षा दी जा रही है तो इसका मतलब है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। अब बात आती है कि समावेशी शिक्षा जो हमारे देश में दी जा रही है,
इसका औचित्य क्या है? आप सब जानते हो हमारा भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। संविधान निर्माताओं ने सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और समानता के अधिकार में कहा किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जन्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के दृष्टिकोण में सभी समान है। तो जब ऐसी बात कही गई हमारे भारतीय संविधान में, और आप जानते भी हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, नाम भी सुना होगा बच्चों, अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद 21 में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इस संविधान संशोधन ने हमारे देश में शिक्षा को अधिकार बना दिया। शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ दिया गया। इसी 86वें संशोधन में हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया कि अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनका मूल दायित्व माना जाएगा, और इसी के साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात को शामिल कर लिया गया। क्या? कि राज्य का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन ने समस्त देश में परिवर्तन कर दिया। इसने मूल अधिकार बना दिया, राज्य का दायित्व बना दिया और माता पिता का कर्तव्य बना दिया शिक्षा को। किसको? शिक्षा को। और शिक्षा की सार्वभौमिकता की अवधारणा पूरे भारत में प्रस्तुत की बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है? जब संविधान ये बात कह रहा है तो ये समावेशी शिक्षा भी कहती है कि हर बच्चा चाहे किसी भी लिंग का हो, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, किसी भी दृष्टिकोण से बच्चा भिन्न हो, लेकिन हर बच्चे को एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय और एक ही प्रकार के अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी को हमने बच्चों नाम दिया समावेशी शिक्षा। अब बात आती है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ आई बच्चों? कनाडा में आई। कहाँ पर आई? कनाडा में विश्व की सबसे पहली व्यवस्था आई, धीरे धीरे अमेरिका और बाकी देशों में फैली, और आज भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी शिक्षण व्यवस्था वाला देश है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई विकलांग बच्चे, कई विशिष्ट बालक ऐसे हैं जो मुख्य धारा में, जिनको नहीं जोड़ा गया है, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों जिनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है, उन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो अवधारणा हमारे सामने आती है बच्चों, उसी का नाम है समावेशी शिक्षा। अब बात आती है, कई विद्वानों ने भी इसकी परिभाषाएं दी है, आपने नाम भी सुना होगा, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान में जो मंत्री है वो है रमेश पोखरीवाल साहब। अब बात आती है MHRD क्या है। MHRD हमारी मंत्रालय है जो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करता है। MHRD से पहले शिक्षा विभाग था। MHRD की स्थापना 1985 में की गई थी। इस MHRD ने भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में कहा, और कहा कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी सीखने वाले बालक, चाहे कोई भी हो, चाहे अशक्त हो या ना हो, सामान्य विद्यालयों, पूर्व अवस्था वाले विद्यालयों और सामुदायिक विद्यालयों में उनको पढ़ने का क्या है बच्चों? अधिकार है। क्या है? अधिकार है उन बच्चों को बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों क्या? एस के दुबे साहब क्या कहते हैं? ये आपने देखा, सभी सीखने वाले बालक चाहे वे अशक्त हो या ना हो, सामान्य विद्यालयों, पूर्व व्यवस्था विद्यालयों
और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ। अगर दृष्टि बाधित है तो उसके चश्मा लगवाया जाएगा, स्वर्ण यंत्र नहीं है तो उसको स्वर्ण यंत्र सामग्री लगाई जाएगी, लेकिन विद्यालय एक होना चाहिए, कक्षा एक होनी चाहिए, अध्यापक एक होना चाहिए। उसी को MHRD ने क्या कहा बच्चों? समावेशी शिक्षा कहा। उसके बाद आता है एस के दुबे साहब क्या कहते हैं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जो छात्रों की योग्यता क्षमता और स्थितियों के अनुरूप दी जाए। माना विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको विशिष्ट परिस्थितियां, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर और उनकी स्थितियों का आकलन करके शिक्षा प्रदान की जाएगी बच्चों। उसके बाद आते हैं भाई आर के शर्मा क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके द्वारा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से असक्षम बालकों को सूचित किया जाता है। मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा वो है कि एक ही कक्षा में अध्यापक द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें प्रतिभाशाली बालक की योग्यता और क्षमता का भी विकास हो, इसके अलावा जो आपके शारीरिक रूप से भी मंदित बालक है उनकी भी योग्यता और क्षमता का विकास हो, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है बच्चों। तो समझ में आया? आरके शर्मा ने कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके द्वारा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से असक्षम बालकों को सूचित किया जाता है, ऐसे बालक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो MHRD, एस के दुबे और आर के शर्मा, इन तीन की डेफिनेशन हमने देखी। आपको इसको कॉपी में उतारना है बच्चों, आपकी बुक में इनकी डेफिनेशन नहीं है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज इन डेफिनेशंस को साथ में लिखते जाइए। वीडियो देखते टाइम एक कॉपी रखिए, पेन रखिए और साथ में इन डेफिनेशंस को लिखते जाइए। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आगे देखिए बच्चों, उमातुली क्या कहते हैं? उमातुली कहते हैं समावेशन एक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक संवेगात्मकता का मतलब तो समझते हो ना बच्चों, संवेग क्रोध है, गुस्सा है, भय है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, प्लायन की भावना है, ये सब हमारे मन में उठने वाले क्या है बच्चों? संवेग है। तो संवेग दैहिक मतलब शारीरिक तथा सीखने की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए संसाधनों का, अगर संवेगात्मक प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करो, देही कहे तो उसका, और सीखने में अगर कोई बाधा पैदा हो रही है तो उन संसाधनों का विस्तार एक ही जगह, एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय में करना ही बच्चों क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उमातुली ने क्या कहा? उमातुली ने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को देही संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए संसाधनों का क्या करना होगा बच्चों? विस्तार करना होगा। किसके अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद आता है बच्चा यूनेस्को। यूनेस्को का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। क्या है यूनेस्को? देखो बच्चों, यूनेस्को यूएनओ की एक संस्था है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और विश्व में अशांति का माहौल था, तो शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों के प्रयासों के तहत यूएनओ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ यूएनओ की एक संस्था को भी स्थापित किया गया, उसी का नाम है बच्चों यूनेस्को। यूनेस्को क्या काम करता है? शैक्षणिक और वैज्ञानिक
शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो कार्य करता है वो है यूनेस्को। और यूनेस्को ने भी यहाँ तक कहा है, क्या कहा है, समेकित शिक्षा के बारे में कहा है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे सीख सकते हैं। यूनेस्को का मानना है कि हर बच्चा, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विमंदित हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विमंदित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लेकिन हर बच्चा सीख सकता है अगर उसको उपयुक्त संसाधन, उपयुक्त तकनीक, उपयुक्त शिक्षकों और उपयुक्त संसाधनों के द्वारा अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो हर बच्चा सीख सकता है। ये कौन कह रहा है? ये यूनेस्को का मानना है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उसका प्रभाव क्या करना, न्यूनतम करना। समावेशी शिक्षा में जो भी बच्चे में सीखने में कठिनाई आ रही है उसको कम से कम करना ताकि उसकी योग्यता का, क्षमता का विकास हो सके, समाज के साथ वो अनुकूलन स्थापित कर सके बच्चों। और कह रहा है स्थिर गति के साथ चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है क्या, समावेशी शिक्षा। तो सभी बच्चे सीख सकते हैं, सीखने में जो कठिनाइयां आ रही है उसको न्यूनतम करना, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा। क्या होती है औपचारिक शिक्षा? देखो बच्चों, एक तो है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो नियंत्रित वातावरण में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा नियंत्रित वातावरण में नहीं दी जाती है। औपचारिक शिक्षा एक आयु सीमा तक दी जाती है जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है जबकि घर, समाज, पर्यावरण, वातावरण, इसमें जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है बच्चों वो है औपचारिक शिक्षा। जो हर मनुष्य को आजीवन मिलती है, जीवन पर्यंत मिलती है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में कहा गया कि बच्चे को न केवल विद्यालयी शिक्षा बल्कि अनौपचारिक जो माहौल है, हमारे समाज का जो वातावरण है, उसको सामाजिक गतिविधियों में ले जाया जाए, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, विद्यालय में माता पिता और अभिभावकों को बुला करके सामाजिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए, संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नाट्य कार्यक्रम आयोजित किए जाए, अभिनय करवाया जाए ताकि बच्चे में सामाजिक कुशलता का क्या होगा, विकास होगा। और अनौपचारिक शिक्षा भी आप विद्यालय में प्रदान कर पाओगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है, तो समझ आया क्या समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं किस किस ने दी, कॉपी में लिख लेना। MHRD ने कहा सभी सीखने वाले बालक, चाहे वह अशक्त हो या ना हो, सामान्य विद्यालयों, पूर्वावस्था विद्यालयों और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलकर सीखने में समर्थ हो, वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली क्या है, समावेशी शिक्षा है। ये कहा SK दुबे साहब ने। RK शर्मा ने कहा जिसमें प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से सक्षम बालकों को सूचित किया जाता है, ऐसी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा है। उसके बाद उमा तुली कहते हैं ये एक प्रक्रिया है जिसमें देही, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए संसाधनों का विस्तार किया जाता है। उसके बाद यूनेस्को ने कहा सभी बच्चे सीख सकते हैं, सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जाना, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा दी जा सकती है, स्थिर गति से चलने वाली यह गतिशील प्रक्रिया है कौन, समावेशी शिक्षा। अब बात आती है कि जो समावेशी शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, तो ये समझ में आ गया। तो अब जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चे को एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय और एक ही अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों, उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब आता है बच्चों क्या, क्या आता है, अब पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य।
क्या उद्देश्य लेकर के समावेशी शिक्षा को हमारे सामने उतारा गया वो देखिए। पहला है विशिष्ट बच्चों की पहचान, विशिष्ट बच्चों, विशिष्ट बच्चों विशिष्ट बच्चों को पहचानना। जब आपको पता है एक बच्चा एक ही कक्षा में पढ़ेगा तो टीचर उसकी एक्टिविटी और उसके क्रियाकलापों को देखकर क्या कर लेगा, विशिष्ट बच्चों को पहचान लेगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा में बांधती है कि हर बच्चे में एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बच्चा अलग अलग होता है, तो बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि विशिष्ट बच्चों की पहचान करना। दूसरा है आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। किसको? विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। हर बच्चा जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बालकों के साथ रहकर आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके अलावा है जागरूकता, जागरूकता प्रदान करना, ये भी समावेशी शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों को पहचानना, आत्मनिर्भर बनाना, जागरूकता प्रदान करना, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा संसाधन उपलब्ध करवाना, सीखने में कठिनाई को न्यूनतम करना, सीखने की कठिनाइयों को न्यूनतम करना, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, विशिष्ट बच्चों की पहचान करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनमें जागरूकता पैदा करना, सामाजिक समावेशन करना, लोगों की सोच को बदलना। देखो योग्यता व क्षमता का विकास करना, ये लिख लेना। समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य विशिष्ट बच्चों को पहचानना, जागरूकता प्रदान करना, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, संसाधन उपलब्ध करवाना, सीखने में कठिनाई को न्यूनतम करना और सामाजिक समावेशन करना और लोगों की सोच को बदलना और योग्यता व क्षमता का विकास करना, ये समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव है बच्चों। अब जो कल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लिख लेना इसको, क्या? विशिष्ट बच्चों को पहचानना। आपको मैंने बताया था हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? व्यक्तिगत भिन्नता, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप में, और चौथा बताया था सामाजिक रूप में अलग होता है। तो इन विभिन्नताओं को पहचानना ही समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। शारीरिक भी मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा अंधा हो सकता है, किसी बच्चे का पैर कटा हुआ हो सकता है, किसी बच्चे का हाथ कटा हुआ हो सकता है। मानसिक कोई मंदबुद्धि बालक हो सकता है, कोई मानसिक रूप से भी मंदित हो सकता है, औसत बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, समस्यात्मक बालक हो सकता है, ये मानसिक में आएगा। उसके बाद आता है संवेगात्मक, कई बच्चे डरपोक होते हैं, कई बच्चे गुस्से वाले होते हैं, कई क्रोधी स्वभाव के होते हैं,
कई बच्चों में चिड़चिड़ापन होते हैं, कई उदार प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये संवेगात्मक होते हैं। सामाजिक का मतलब मैंने बताया था, कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कई बच्चे बहिर्मुखी होते हैं, तो इन व्यक्ति भिन्नताओं को पहचानना ही किसका उद्देश्य है बच्चों, समावेशी शिक्षा का जागरूकता प्रदान करना। आप जानते हो जब बच्चा एक विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय में पढ़ेगा तो उसमें जागरूकता पैदा करना है, समाज के प्रति जागरूकता पैदा करना है, समाज की जो परंपराएं हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना समावेशी शिक्षा का मैन मोटिव है, और ये पैदा करना कि उनको समान अधिकार प्राप्त है, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, और इसी के लिए आया था बेटा आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी को समान शिक्षा प्रदान करता है और सभी को समान शिक्षा समावेशी शिक्षा का मैन मोटिव है। संसाधन उपलब्ध करवाना, जो विशिष्ट बालक है चाहे दृष्टिहीन हो चाहे अंधे हो चाहे स्मरण बाधित हो, उन सबको सारी ऐसी टेक्निक प्रविधियों उपलब्ध करवाना ताकि वो एक उचित वातावरण में अध्ययन कर सके। सीखने में जो भी कठिनाई आ रही है उनको न्यूनतम करना, सामाजिक समावेशन करना, लोगों की सोच को बदलना। आज भी हमारे समाज में ये है कि सामान्य बालकों के साथ विकलांग बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि विकलांग बच्चे मानसिक रूप से भी विमंडित होते हैं, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा तो सामान्य बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं। तो लोगों की सोच को बदलना कि विकलांग भी सामान्य बालक से कम नहीं होते हैं। योग्यता व क्षमता का क्या करना, विकास करना ही समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव है। तो आज हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य तीन टॉपिक पढ़े। कितने टॉपिक पढ़े बच्चों? समावेशी शिक्षा के तीन टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से? अर्थ, अर्थ पढ़ा, परिभाषा और उद्देश्य। कल हम जो पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, विशेषताएं, गुण, दोष, महत्व, ये सब हम आगे वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान के इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, और जो भी मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया है उनको ध्यान से पढ़ें, रेफरेंसेस बुक लें और मेरे नोट्स को आधार बनाएं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, विशेषताएं और गुण। धन्यवाद।